राम मंदिर को काउंटर अटैक करना ही नहीं चाहिए। मंदिर था, मुद्दा सॉल्व हो गया, कोर्ट ने एक बिका हुआ फैसला दे दिया। साफ कहता हूँ, आपके चैनल पे लोग पढ़ के मुझे गालियाँ भी बकेंगे, बिका हुआ फैसला, एक राज्यसभा की सीट पर बिका हुआ फैसला। लेकिन चलो, मामला खत्म हुआ, छुट्टी हो गई, जैसा भी हुआ वो हुआ, खत्म हो गया। मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बन गया, खुशी हो गई, बात खत्म हो गई। मंदिर बन रहा है, मंदिर को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए कि मंदिर बन रहा है। मंदिर का आप जितना विरोध करोगे ये उतने आपके ऊपर हावी होंगे। जो कोर वोटर है वो अभी भी वही 37% से 40% के बीच का है। आप उसे राम मंदिर भी दे दो, आप उसे काशी विश्वनाथ भी दे दो, आप उसे मथुरा वृंदावन भी दे दो, आप उसे दुनिया भर के सारे भारत में जितनी मस्जिदें सब ढा के उसके सारी जगह मंदिर बना के दे दो, तो भी वो 37 से 40% कोर वोटर जो है वो ऊपर नहीं उठेगा। ज्ञानवापी मैंने बोल दिया, वाराणसी है वो, हाँ, तो अभी वो 40% ही रहेगा। अब के इलेक्शन में भी आपने देखा है, एक मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो 39-41-42 यही परसेंटेज रही है बीजेपी की, और पिछले चुनावों में भी 37% थे। मात्र 1 से 2% का फर्क आ रहा है। मेरे लिए मंदिर बन गया, मैंने पिछली बार भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, मंदिर बन रहा है, मैं फिर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मेरे घर से कोई नहीं देगा, मेरे अड़ोस पड़ोस से कोई नहीं देगा, मंदिर की खुशी सबको है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी हम अपने घर में दीपक भी जलाएंगे, पर वोट फिर भी नहीं जाएगा बीजेपी को, सीधी सी बात है। बचे हुए 60% को है, विपक्ष उसको इकट्ठा कर ले तो उसकी बेड़ा पार हो जाएगा। ये 40% को आप भूल जाओ कि ये हमारे पाले में अब आने वाले हैं। एक जॉम्बी होते हैं जिनको खून की लत लग जाती है, आदमखोर होता है, उसको आप ये उम्मीद रखो कि ये आदमखोर को हम शाकाहारी बना देंगे, जिंदगी भर कभी नहीं बनेगा। वो शेर है, घास खाएगा ही नहीं, मर जाएगा, सूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, पर उसे मांस खाने की आदत है, वो मांस ही खाएगा, चाहे वो खरगोश का खाए, चाहे वो गाय का खाए, चाहे वो हिरण का खाए। तो ये वो 40% वो हो चुके हैं, आप भूल जाओ उन 40% को, आप बचे हुए अपने जो 60% है उन पर कंट्रोल कर लो, उनका वोट एकजुट होकर डलवा लो, आपकी राह बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल करना पड़ेगा, अभी नहीं सर, करना पड़ेगा। एक दूसरे से, दूसरे से आप सामंजस्य रखो, अपना एक दूसरे की विश्वास रखो। अगर आपको ये देखना है कि अदरवाइज इस 24 के चुनाव के बाद आप 29 का चुनाव लड़ने लायक पूरे देश में कहीं भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। CGI को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इलेक्शन कमीशन का भी अध्यादेश पास कराया। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होगा वो एक प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक अब लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होगा, वो तीन मिलकर तय करेंगे। 2-1 से गेंद अपने पाले में कर ली, पहले तीसरी गेंद न्यूट्रल होती थी CGI, उनको इन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है जी, इन्होंने अपने गेंद पाले में कर ली। तीसरी चीज, जितने भी जो चुनाव आयुक्त हैं सबको सुप्रीम कोर्ट के जजों का दर्जा दे दिया गया है कि अगर आज उनके फैसले गलत भी साबित होते हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इन फ्यूचर वो पूरी तरह सेफ है। बस अगर कल को ये फैसले साबित भी गलत हुए, EVM में हेरा फेरियाँ पकड़ी गई, आचार संहिता में हेरा फेरियाँ पकड़ी गई, कुछ भी, तो आप चुनाव आयुक्तों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उनको उन्होंने पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया, उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उनको अपने अंडर में ले लिया, सीधी सी बात है। तो विपक्ष को हर हालत में बचे हुए 60% वोट पे कंसंट्रेट करके, जहां अखिलेश जी मजबूत हैं वहां अखिलेश जी को मौका दो, जहां ममता जी मजबूत हैं वहां ममता जी को मौका दो, जहां AIDMK मजबूत है वहां उसे मौका दो, जो आपकी साथ देने वाली पार्टी है जहां जो मजबूत है उसका सम्मान करो, और ये 60% वोट को अपनी झोली में डालो तो आपकी राह बहुत आसान है। अदरवाइज आप 24 के बाद इलेक्शन भूल जाओ, इस देश में कभी इलेक्शन हुआ करेगा, इस देश में से लोकतंत्र का नामो निशान मिट जाएगा।